वेलकम बैक। तो सातवें चरण की वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहा है, वोटिंग पड़ रही है। मिर्ज़ापुर की अगर बात करें, पूर्वांचल का मिर्ज़ापुर, यहाँ अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया मंत्री, वे मिर्ज़ापुर से प्रत्याशी हैं। SP BSP गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के रामचरित्र निषाद अनुप्रिया को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट ललितेश त्रिपाठी पर दांव खेला है। चुनाव के नतीजे, चुनाव के परिणाम पूरे देश को पता है। 23 मई को सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी है। NDA गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रही है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और उधर गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने वोट डाला, उनके साथ उनके समर्थक पहुंचे थे। गाजीपुर में 14 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। यहां कांग्रेस के अजीत प्रताप कुशवाहा, गठबंधन की ओर से बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी और बीजेपी की तरफ से, जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जो अपना वोट डालने पहुंचे। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वाराणसी को कैसे हम भूल सकते हैं। वाराणसी सबसे हाई प्रोफाइल सीट आज की वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव मैदान में हैं, वहां वोटिंग जारी है। लेकिन चुनावी शोर से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पर बाबा की शरण में हैं। बीती रात केदारनाथ की गुफा में तपस्या के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम भारी आपदा का शिकार हुआ था 2013 में। उसके बाद फिर पूरे इलाके को दोबारा से बसाया गया। इसका एक मास्टर प्लान बनाया है, उसके आधार पर इसके विकास का काम चल रहा है। तो एक तो मेरे मन में रहता है कि समय मिले तो इसका रिव्यू भी करूं, और दूसरा इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, ताने का मन कर जाता है। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का आभार मानता हूं कि एक दो दिन का विराम बीच में मिल गया, और मेरा ये सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। इन दिनों केदारनाथ बार बार आने का मौका मिलता है। अवेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं इलेक्शन कमीशन का आभारी हूँ कि दो दिन का विराम मिल गया। लगातार कैंपेन प्रधानमंत्री ने और तमाम नेताओं ने, बाकी दलों के नेताओं ने, बीजेपी ने लगातार ये कैंपेन हमने देखा है, और वाकई ये दो दिन का विराम राहत और सुकून भरा है। इस सभी के लिए है। प्रधानमंत्री ने अगर 144 के साथ सभाएं की, 142 जनसभाएं किए हैं, 4 रोड शो किए हैं, मतलब कुल मिलाकर के 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा यात्राएं किया है, और 51 दिन तक पूरा चुनाव अभियान चलाया है और उसमें बोलना पड़ा है। फिर उसके साथ साथ जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की है, क्योंकि मंच जहां बना होता था उसके पीछे कार्यकर्ताओं की भी बैठक होती थी। उसके बाद फिर जो लोग लाभार्थी हैं उससे बैठक होती थी। तो अब इस समय सबसे ज्यादा, इस समय राहुल गांधी ने 153 सभाएं की, इन्होंने 142 सभाएं की, तो इन दोनों नेताओं को आराम चाहिए अपने अपने तरीके से। ये एक आध्यात्मिक है, ये इन्होंने अपना पूजा पाठ का रास्ता अपनाया, एक केदार धाम गए, फिर बद्रीनाथ धाम गए, और मुझे लगता है इसके द्वारा एक संदेश भी प्रधानमंत्री देते हैं दुनिया को कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कहाँ है और उसमें उसके प्रधान का क्या चरित्र है और स्वरूप है। तो जो बोल रहे हैं उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, यही बोला जा सकता था। हालांकि चुनाव आयोग चुनाव परिणाम और उसके बीच समय तो हर बार देता है, अंतिम चुनाव और चुनाव परिणाम में हमेशा समय रहता है, और चुनाव परिणाम आने के बीच तक नेताओं के पास जोर गुना करने के अलावा कि हमको कितनी सीटें आ रही हैं या अलग अलग कार्यकर्ताओं से नोटिस लेने के अलावा तो कोई काम होता नहीं है। उसके लिए बजाबता बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियों में एक टीम होती है
जो कि अपने बड़े नेता को बता दिया। अभी हर बूथ से अभी बैठे हैं लोग, वहां से फोन कर रहे होंगे कहां से कहां आ रहा है, कैसे जा रहा है, कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होगी, ये सारा कुछ चलता रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कम से कम इसका उपयोग अपने आध्यात्मिक साधना के लिए 2 दिनों किया है, और अध्यात्म से एक अंतः शक्ति मनुष्य को मिलती है, वो चाहे किसी रास्ते से करिए, अगर मन, अगर हृदय से और दिल से वो किया जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। वाराणसी की हम बात करें तो वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी कांग्रेस ने अजय राय को ही उनके खिलाफ उतारा था, और आपको याद होगा कि पिछली बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में वाराणसी से थे, लेकिन एक भारी अंतर से हारे। इस बार अजय राय कांग्रेस की ओर से, और आज सुबह अजय राय अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, अभी 2 रोज पहले मैं आप सभी के साथ वाराणसी में थी, और अच्छा खासा उत्साह बनारस में था, और भरी दोपहरी में भी वहां पर लोग 45-44 डिग्री टेम्परेचर में बीच सड़क पर, गली में, नुक्कड़ में बस राजनीति और इस बार के चुनाव की चर्चा कर रहे थे। आज सुबह से पोलिंग बूथ पर किस तरह की तस्वीर, नजारा आपने देखा है वाराणसी में? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी में एक जो लोकतंत्र का महापर्व है जिस तरीके से मनाया जाता है वाराणसी में, उस तरीके से काशी की जनता काशी के अंदाज में एक अनूठे तरीके से मतदान को देने की तैयारी का सुबह से लगातार चल रही थी, और उसके बाद जब मतदान चालू हुआ तो ढोल नगाड़े के साथ अपने पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक जातियों के तरीके से अपने वोट देने के लिए लोग जो है निकल पड़े हैं, सहनाइयों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, कहीं डीजे के साथ। तो एक तरीके से ये महापर्व का रूप बनाया जा रहा है काशी में, और काशी की जनता बार बार यही कह रही है कि काशी के देश की सुरक्षा, देश की शान और देश की मान को मद्देनजर रख के हम वोट दे रहे हैं। जी, देश की सुरक्षा, मान सम्मान को मद्देनजर रख के हम वोट दे रहे हैं। सरवत जहां फातिमा, काशी के लोग ये मानते हैं कि विकास भी हुआ है, हम खुद गए 4-5 साल में, पिछली बार कई बार गए, लेकिन वाकई फ्लाईओवर्स दिखते हैं, सफाई दिखती है, घाट साफ सुथरे दिखते हैं, काम तो हुआ काशी में। शीतल जी, अगर आप देखेंगे तो काशी हिंदुस्तान की संस्कृति का धरोहर है, और हमेशा से वहाँ पे एक एनर्जी लोगों को मिलती है, और जो एक हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसका, उसकी रोशनी एक तरह से कहेंगे कि पूरी दुनिया में जाती है काशी से, जितना हम देख पाए हैं, जितना हम समझ पाए। वहाँ के हर घर में मंदिर है, हर घर में, और पुराना शहर होने के नाते गलियों में ही ज़्यादातर पुराने घर देखे जाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है, कुछ नया इलाका भी बना है जिसको नए तरीके से बसाया जा रहा है, लेकिन जो पुरानी असल, जो पुराना पुरानी काशी है वो इसी तरह की बस्ती है, जहाँ गलियाँ हैं, जहाँ जानवर भी निकलते हैं, आदमी भी है, मतलब वो एक अपना, चलो वहाँ की लाइफ स्टाइल है वो, और लोग उसी में रमे बसते हैं। 2 बजे रात से ही लोग गंगा स्नान के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन रहने का मौका हमको भी मिला था तो देखे थे, गंगा स्नान के लिए निकल जाते हैं और फिर उसी वक्त से पूजा पाठ के एक रमे अंजाता। भरी दोपहर में मैं बताना चाहूंगी अवधेश जी रंगनाथ, भरी दोपहर में 44 डिग्री टेम्परेचर, नुक्कड़ में चाय की दुकान पर चाय समोसा गरम तेल में तला जा रहा है, 44 डिग्री धूप ऊपर, और उसमें पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही है। पे जो काशी जो है वो यहीं रहेंगे, वहाँ खाने खाने पीने का भी वहाँ बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे जगह। अब आप मुझे बताइए 44 डिग्री में चाय पीकर लोग चर्चा। बिल्कुल, अब आपको बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए तो बहुत सारे वादे वहां से करके आए थे, बहुत सारे वादे, जिस वादे को कितना जमीन पे उतारा गया वो भी आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो किसी खास जगह पे पर्दा लगा दिया जाता है। अभी भी पीछे गए थे तो खास जगह पे पर्दा लगा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पर्दा के पीछे जो है वो गंगा माँ गंगा का जो मतलब जो वहां पे गंदगी फैली हुई है। वाराणसी हाँ, सच गए, मजाक नहीं कर रहे, अभी 2-3 महीने पहले गए थे। तो मैं अभी 2-3 महीने पहले होके आई, और उससे पहले भी गई थी, लेकिन फर्क दिखता है। सर्वत जहाँ फातिमा, फ्लाईओवर्स बने हैं, फ्लाईओवर्स रास्ते साफ हुए हैं, सड़कें साफ सुथरी दिखती हैं। शीतल, फ्लाईओवर्स बनना, तो फ्लाईओवर बनेगी तो ट्रैफिक सुधरेगी ना, वो ट्रैफिक की समस्या सुधरेगी। हम क्या बोल रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनना, सड़कें नहीं, घाट साफ नहीं हुई है, क्या कुछ घाट नहीं, कुछ घाट को साफ किया गया है। फातिमा जी जो कह रही है मैं उनको जरा स्पष्ट कर दूं, फातिमा जी ये कहना चाह रही है जितने चीजें काशी
की जो आत्मा बसी है वो उन गलियों में बसी, उन गलियों में बसी जो तोड़ा गया वहाँ देखिए जनता में आक्रोश है चुकी। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आप जाते थे पहले तो किस कैसे किसी गलियों से होकर गुजरना होता था, और अब मैं होकर आई की जो आत्मा है चुनाव तो जीत जाएंगे मोदी जी, बिल्कुल एकदम अलग ही छटा है। नहीं वहाँ पे जो घर तोड़े गए एक मिनट नए तरीके से बनाने के इसमें, और उसमें जो मतलब के मंदिरों का और जिस तरह से मूर्तियों का मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको अल्फाज में नहीं बता सकते, लोगों के अंदर इसका बहुत रोष है। लेकिन आप कभी जाइए वहाँ काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए हैं, अभी हाल में जाइएगा नहीं तो वो जो गलियां और सड़कें जो और जो रास्ता है वो गलियां ही वहाँ की लेकिन अगर देखिए अगर शहर को प्रदूषण भी मुक्त करना है सड़कें देनी है काशी अलग शहर है एक मिनट अगर उसको एक अंतरराष्ट्रीय मतलब उसकी अपनी संस्कृति और उसकी परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिक स्वरूप देना है तो उसको नए सिरे से निर्माण उसमें बहुत परिश्रम हुआ है, सैटेलाइट से पूरी पिक्चर लेकर के जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके बनाने में दुनिया के भी आर्किटेक्ट का मदद ली गई है यहाँ ली गई है, उसके बाद बना है जो घर टूटे उसमें से 40 पुराने मंदिर निकले उन मंदिरों को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है, बहुत सारे इंक्रोचमेंट है जो उसके कारण हटे हैं, ये बात सही है कि वहाँ के स्थानीय लोगों में कोई एक एक संख्या है जिससे उनका विरोध है, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है और लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी शहर का आप पुनर्निर्माण करेंगे अब उसको ऐसा बनाया जा रहा है कि विश्वनाथ के सीधे काशी घाट घाट से आप सीधे मंदिर तक पहुंच सके उन दोनों के बीच जुड़ जाए तो घर को तो तोड़ना पड़ेगा कोई चारा नहीं है, अगर उन मंदिरों को फिर नए सिरे से करना पड़ेगा नहीं तो मंदिरों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दो चीजें विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण हो जाने के बाद एक मिनट विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो जाने के बाद वाराणसी एक अलग वाराणसी अभी भी वाराणसी अलग दिखती है, अभी 5 साल पहले का वाराणसी नहीं है इस समय अभी भी अलग दिखती है, और जो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से उसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वरूप बेहतर होगा, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनको भी लगेगा कि वाकई जो कुछ भी निर्माण हुआ है ये वाराणसी की संस्कृति और सभ्यता के हित में है। देखिए दो चीजें हैं शीतल जी, मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूँ कि मोदी जी के आने से वहां की बिजली सुधरी है और मोदी जी जीतेंगे, भी बहुत सारी चीजों में विकास हुआ है, जो काशी की संस्कृति है अवधेश जी यहाँ कह गए कॉरिडोर बनेगा वहां बहुत सारे मंदिर टूटे हैं, और एक बात मैं यहाँ बताऊं कि हमारे यहाँ मंदिर तोड़ने और भगवान के स्थापित और पुनर्स्थापित में बहुत सारा फर्क होता है, हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है, हमारे यहाँ भगवान को इस तरह से नहीं रखा जाता है, लगातार तोड़े गए क्रेन से तोड़े गए, वहां पर जनता आहत है, उसका परिणाम आप मोदी जी की जीत से मत लीजिए, लेकिन यह कह देना ये एक आस्था का प्रश्न है, काशी के लोगों के लिए आस्था का प्रश्न है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है, मैं किसी भी पार्टी का यहाँ प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हमारे यहाँ मंदिरों में जब भगवान की स्थापना होती है तो उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जहां उस क्रेन से तोड़ा गया मंदिरों को तोड़ा डेली लड्डू गोपाल से लेकर तमाम जो हमारी चीजें हैं भगवान को हम डेली पूजा अर्चना के साथ साथ उनको भोजन भी कराते हैं उनका सुबह शाम, लेकिन इस तरीके से आपके दिमाग में जो है कि मैं ऐसा बनाऊंगा ऐसा करने के लिए आप भगवान उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं महादेव को मुक्त कराने आया हूं, आप महादेव को मुक्त कराने आए हैं, जो संसार को मुक्ति देता है उसको आप मुक्त कराने आए, तो मैं कुछ एक बयानों से थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से हाथ हुआ हूं और मंदिरों की तस्वीरें तोड़ा जाए ठीक है, लेकिन उसमें उनको पूरी तरीके से सम्मान के साथ रंगनाथ जी की तरह और भी लोग गुस्सा करते हैं, पीछे तस्वीर सामने आई हुआ है उसमें काशी विद्वत परिषद वहां के पंडितों के मीटिंग वहाँ के चीजों को समझ के उसकी कमेटी ऐसा नहीं है कि जो लोग तोड़ रहे थे उनके अंदर आस्था नहीं थी और उनको नहीं मालूम था कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है और उन सारी चीजों को संरक्षित रखा गया है, कम से कम 40 जो प्राचीन मंदिर है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसको नए सिरे से और बेहतर करने की कोशिश हुई है, लेकिन वहां तो चूंकि अब हर घर में मंदिर है आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने जो किराया पर घर लिया था उस पर दखल करके रखे थे और एक मंदिर बना के रह रहे थे, विदेशियों को रखने के लिए विदेशी हमारे घर में किराए रहे इसके लिए भी मंदिर बना गए थे, मैं काशी से परिचित हूं, संघर्ष करने वाले भी हमारे अनेक मित्र हैं जो हमको एक एक चीज की सूचना देते रहे हैं, और उसके बाद मैंने कॉरिडोर को बजाबता पढ़ा फिर उसके बाद लिखा हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं
कि अगर वाराणसी को एक स्वरूप ठीक देना था, उसकी संस्कृति और परंपरा को बचाए हुए थे, तो यही एक रास्ता हो सकता था और यहां तक पहुंचने में बहुत कुछ हुआ। चलिए ठीक है, एक ब्रेक, एक ब्रेक, एक ब्रेक, एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद गोरखपुर की बात करेंगे, वहां भी पोलिंग जारी है और हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे गोरखपुर में पूर्वांचल की अलग अलग सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है वहां पर क्या स्थिति है। तो सातवें चरण की वोटिंग लगातार सब जगह जारी है, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वोट डाला, तो सुशील कुमार मोदी ने भी पटना में वोट डाला और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के पटना में अपने परिवार के साथ मतदान किया। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बिहार के दिग्गजों ने वोट डाला, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से उम्मीदवार, सामने शत्रुघ्न सिन्हा। देखिए आज तो वोट का अंतिम दिन है, वोट हो जाएगा 23 तारीख को, जो गिनती होगी वो हो जाएगा, रिजल्ट 23 को आ जाएगा। तो 23 को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ना कोई बात करना चाहिए। घरों से तुलनात्मक कम निकलते हैं, उनसे मेरी अपील कि इस बार वोटिंग परसेंटेज और बढ़ना चाहिए। और देखिए इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है, इस चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई, एक भी व्यक्ति की अभी तक हिंसा में मौत नहीं हुई है। और मुझे वो ज़माना याद है कि 90 से लेकर 2004 तक 671 लोग मरे थे और कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें 60-70 लोग चुनावी हिंसा में नहीं मारे जाते थे। बूथ कब्जा होता था, बूथ लूट, बूथ कैप्चरिंग जो शब्द है ये बिहार की ही देन है। और मुझे खुशी है कि पिछले वर्षों में और ख़ास करके जब से बिहार में हमारी सरकार बनी है तब से और हिंसा बंद हो गई है और इस चुनाव तक एक भी व्यक्ति की मौत हिंसा में नहीं हुई है। मैंने आज वोट दिया, बहुत जनता का आशीष मिल रहा है और जो पूरे देश की हवा है वही पटना साहब की भी हवा है, वो हमें प्रभावी जीत दिलाना चाहते हैं क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, निश्चित। बिहार में पटना से तीन तस्वीर सर्वा, जहां फातिमा, सुशील कुमार मोदी ने एक बात तो बड़ी दिलचस्प कही कि बूथ कैप्चरिंग शब्द जो है ये बिहार की देन है और पूरे चुनाव में बिहार में कहीं हिंसा नहीं, बंगाल में जमकर लेकिन बिहार में शांतिपूर्ण, इसका श्रेय तो आपको देना चाहिए। बिल्कुल हंसी आ रही है सुशील कुमार मोदी जी के इस वक्तव्य पे क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 तक ही हिंसा रहा था, उसके बाद हिंसा नहीं रहा। बिहार में ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर का इतना फेलियर है कि आए दिन वहां पे किसको पकड़ के कौन गोली मार देगा, कब आप घर से निकल रहे हो, कब आप मारे जाओगे, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रह रहा है। चुनाव में कोई हिंसा नहीं, चुनाव में नहीं, जनरल गोली चली थी, एक आरजेडी का कार्यकर्ता भी मारा गया, आरजेडी के कार्यकर्ता भी मारा गया, गोली चली है और उसको लेकर के एफआईआर वगैरह भी दर्ज हो रही है। नहीं, एक आरजेडी का कार्यकर्ता को भी गोली मार दी गई थी, लेकिन ऐसे ऐसे नॉर्मल दिन में भी वहाँ जो हालत है लॉ एंड ऑर्डर की, सुशील कुमार मोदी जी को कोई हक नहीं है ये बात बोलने का कि 2004 और 2014 या 2019 के बीच में क्या हुआ बिहार में। इन लोगों की सरकार रही है 13 साल पीछे रही है, फिर अभी 1.5 साल 2 साल से है, चाहे वो शेल्टर होम हो, चाहे आए दिन मर्डर हो, चाहे चोरी हो, चाहे डाका हो, अब तो तेजाब भी, पीछे तो एक दो हाथ से तेजाब के भी आए हैं, तो सुशील कुमार मोदी जी को इस पे बोलने का कोई हक नहीं है। आदेश जी, इस पर क्या उत्तर दिया जाए, हमने तो 1990 से 2005 की स्थिति देखी है और क्या रहा है, और आज 2005 से 2019 की भी स्थिति देखी है, अब इसमें अगर सर्वत जहां बिहार की हालत सर देखिए, अगर इनको लगता है कि नहीं उससे बुरी हालत है तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन ये बात सही है कि 2-3 सालों में जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की 100% परफेक्ट थी उसमें जरूर थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन ना बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बिहार के हम लोग आराम से, मैं बिहार जाता हूँ आराम से, रात ये भी बिहार से, आप भी बिहार से, आप भी बिहार से, तीनों बिहार से गाड़ियों से निकलता हूँ जाता हूँ, महिलाएं भी गाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन आए दिन मौत। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को जिस ढंग से जंगल राज में दिल किया था, उस जंगल रात से बाहर निकालने का श्रेय नीतीश कुमार और उसकी सरकार को जाता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है।
बिहार का चुनाव देश का सर्वाधिक हिंसक सर्वाधिक बूथ कब्जे का चुनाव होता था, उससे बिहार बाहर निकला है। इसलिए उसको उसको नकारने का मतलब तो ये होगा कि सूरज को चंद्रमा कह देना, दिन को रात कह देना। अगर ये चलो एक छोटा बधाई की बात है, जिम्मेदारी बनती है सुशील कुमार मोदी की, बहुत ही कम नगर। तो यहाँ पे रेशो 2:1 है, ये तीनों लोग बिहार से हैं, दो लोग ये मान रहे हैं कि हिंसा में कमी आई जो कि सुशील कुमार मोदी ने कहा, लेकिन सर्वत जहां फातिमा ने गुजार दिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और चलेंगे गोरखपुर का हाल जानेंगे हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी।